रामपुर खड्ड पर बनकर तैयार हुआ जिले का पहला बैली ब्रिज शुरू कर दिया गया। पुल के शुरू होने से ऊना संतोषगढ़ मार्ग से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि 17 अगस्त को भारी बाढ़ के चलते ये पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चलते यातायात को तुरंत बंद करते हुए वैकल्पिक मार्ग से ट्रैफिक थ्रू किया गया। तो इस पुल को अब बहाल कर दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि भारी बाढ़ के चलते इस पर बड़ी दिक्कत हो गई थी, आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। संतोषगढ़ रोड पर अब ट्रैफिक शुरू हो गया। उन्हें अगस्त 17 को हाई फ्लड की वजह से हमारा ब्रिज बीच में से डैमेज हो गया था, तो पब्लिक की सहूलत को देखते हुए सब पहले तो हमने एक हमारा अलग रूट था जिससे पब्लिक इधर उधर जा रही थी, तो उसके बाद हमने इसको हमारी हायर अथॉरिटीज़ हमारे ENC साहब और SC साहब हमारे चीफ साहब ने इनमें बहुत अपना प्रायोरिटी से इसको काम को शुरू करवाया, तो हमने इस काम को करने के लिए मैकेनिकल टीम बुलाई जो गोमपियो से आई बाबानगर से, तो इसको पब्लिक की समस्या को देखते हुए विभाग ने इसको बहुत जल्दी पूरा किया और अब इसमें ट्रैप चल रही है, तो जिसमें हम अभी इसमें 18 टन से ज़्यादा भार वाले गाड़ियों को इसमें अलाउ नहीं करेंगे, तो आज अभी इसमें पिछले कल से छोटी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है।